ग्रामीण क्षेत्र में काबिल कश्तकारी में तथा वन विभाग की हद में आने वाले एरिया के अंतर्गत दो ट्रैक्टर एक जेसीबी बरामद की गई है, जिसमें गोरेगांव तहसील के तहसील कार्यालय के भदानी तहसीलदार के भदानी ने बड़ी कार्यवाही की। सूत्रों के हवाले जानकारी प्राप्त अनुसार जिले में रेती घाट बंद होने के बावजूद बड़े पैमाने पर टिप्पर भर भर के रेती कई बार चोरी हो रही है। उसी को लेकर गुप्त जानकारी रखते हुए बड़े कार्यवाही को अंजाम तहसीलदार ने दिया है। तहसीलदार ने बताया कि जब रॉयल्टी बंद है तो रेती का तो कहीं उलझ ही नहीं हो सकता, तो रेती आ कहां से रही है। बड़े पैमाने पर रेत तस्करी करने वालों के उन पर बड़ा फाइन करेंगे। बताया जा रहा है कोरेगांव तहसील के अंतर्गत तहसीलदार ने एक जेसीबी, पांच टिप्पर और दो ट्रैक्टर पर बड़ी कार्रवाई की है। सदर ये टिप्पर रेती के टिप्पर गोरेगावच्या हद्दीमध्ये ये टिप्पर रेतीचे टिप्पर पकडलेले आणि मुरुम आणि जेसीबीचा ट्रॅक्टर आम्ही एका ठिकाणी गुप्त माहिती मिळाल्यानुसार त्या ठिकाणी आम्हाला हे ट्रॅक्टर आणि जेसीबी आढळून आले, तर त्यांना आम्ही रात्रीच घेऊन आलो। असं आता त्यांचा ज्या जागेवर उत्खनन झालं त्याचा सविस्तर पंचनामा तलाठी आणि सरकार यांना काय सांगितलं आहे तो दोन दिवसात मिळून जाईल, ते आता आज उद्या होऊन जाईल दोन दिवसात। ट्रॅक्टर आणि एक जेसीबी आणला आहे आणि पाच रेतीचे टिप्पर गोरेगावच्या आपल्या हद्दीमध्ये आपण पकडलो। ही कारवाई पूर्ण रात्रभर चालू होती। कोणाकडेच रहाटी सध्या रहाटी आपल्या जिल्ह्यात कोणाला सगळे रहाटी बंद झालेली, सगळे विना रहाटी चालू आहे सध्या। आता त्यांचे आम्ही रिपोर्ट बनवत आहे, रिपोर्ट बनवून तो प्रांत ऑफिसला देईल, तिथून ते दंडाचे आदेश पारित होतील। एनबीसी न्यूज के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट। नागपुर पुलिस के साइबर शाखा ने एक बड़ी धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है, जहां नाइजीरियन आरोपी के इशारों पर एक विवाह इच्छुक युवक को लाखों का चूना लगाया गया। गौरतलब है कि 2019 से चल रहे इस अपराधी गिरोह का कड़ी मशक्कत के बाद अब जाके पर्दाफाश हुआ है। दरअसल 2019 में मनीष नगर निवासी सुनील देउलकर ने विवाह इच्छुकों के लिए बनाई गई मैट्रिमनी ऐप पर अपना अकाउंट खोला, जहां कुछ दिनों बाद किसी अज्ञात नंबर से सुनील को फोन आया, जहां बोल रही लड़की ने अपना नाम सुचित्रा दास बताया, साथ ही साथ उसने न्यू जर्सी में रहने की बात भी बताई। इस कॉल के बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। एक दिन सुचित्रा का फोन आया, जहां उसने बताया कि वह सुनील के लिए कुल 70,94,820 रुपयों का उपहार भेज रही है, जिससे सुनील बहुत खुश हुआ। लेकिन वही कुछ वक्त के बाद एक और कॉल आया, जिसने टैक्सेस के रूप में कुल 40,64,853 की मांग की और इस व्यक्ति ने एक बैंक अकाउंट नंबर भेजा, जिस पर फिरियादी सुनील ने पैसे ट्रांसफर की। लेकिन कुछ समय बाद अपने साथ धोखाधड़ी हुई है ये बात सुनील के ध्यान में आई और मामले की गंभीरता को समझते हुए सुनील ने बेलतोरड़ी पुलिस थाना अंतर्गत शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद यह मामला साइबर शाखा को रूपांतरित किया गया, जिस मामले में पुलिस दिल्ली तक पहुंची, जहां इस पूरे गिरोह का पहला प्यादा 31 वर्षीय सुशील नागर पुलिस के हत्थे चढ़ा, जिसने पूरा मामला उगल दिया, जहां उसने जानकारी दी कि इस मामले में 33 वर्षीय विशाल कुमार फेक अकाउंट बनाते हुए तकनीकी रूप से आर्थिक व्यवहार इस शतरंज के राजा अर्थात मुख्य आरोपी नाइजीरिया निवासी कोलिकस वैलेंटाइन MH लुजुचुकु उमेको तक पहुंचाता है, जिस जानकारी की सहायता से मुख्य आरोपी कोलिकस समेत निहित दोनों आरोपियों को पकड़ा गया है और आगे की जांच पुलिस कर रही है, जिसकी जानकारी दी साइबर शाखा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अमित डोलस ने। साइबर पुलिस ठाण्यातून नुकताच एक क्लिष्ट असा मोठा गुन्हा आम्ही उघडकीस आणलेला आहे। त्याबाबत बेलतोरडी पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल होता, तो 286/2021। त्यामध्ये फिर्यादीच्या भावासाठी त्यांनी मॅट्रिमोनियल साईटवर रजिस्टर केलं होतं लग्नासाठी, आणि त्यानंतर त्यांना अज्ञात आरोपी महिलेने कॉल करून व्हॉट्सअपवर सांगितलं होतं की बाबा मी इंटरेस्टेड आहे तुमच्या ह्या प्रपोजलमध्ये आणि मी अमेरिकेत राहते जर्सीला, आणि त्यांच्याशी बरेच संवाद साधल्यानंतर त्यांनी एके दिवशी त्यांना सांगितलं की मला काही भेटवस्तू तुम्हाला पाठवायचे आहेत, काही कोटी डॉलर्स तुम्हाला पाठवायचे आहेत, आणि त्या पद्धतीने त्यांनी ते पाठवल्याचं सांगितलं आणि ते दिल्ली एअरपोर्टला भेटवस्तू आणि ते सगळे आलेले आहेत असं त्यांनी त्यांना फोटोज वगैरे पाठवले। त्यानंतर मग त्यांनी कस्टम ऑफिसर म्हणून अज्ञात आरोपींनी फोन केले
आणि बाबा एवढं तुमचा इथे भेटवस्तू आलेले आहेत किंवा तुमचं पार्सल आलेलं आहे आणि ते सोडवण्यासाठी तुम्हाला कस्टम ड्युटी भरावा लागेल किंवा आणखी मनी लॉन्ड्रिंगचे काय टॅक्सेस भरावे लागतील असे वेगवेगळे कारणं सांगून त्यांच्याकडून जवळजवळ 40,64,853 रुपयाची फसवणूक केली. हा गुन्हा बराच जुना असल्याने आम्ही जेव्हा तो तपासावर घेतला तेव्हा ह्या अगोदर एक टीम जाऊन आली होती परंतु त्यांना बऱ्याच गोष्टी त्याच्यामध्ये सक्सेस मिळालं नव्हतं. नंतर आम्ही आता मी स्वतः याच्यामध्ये इनिशिएटिव्ह घेऊन साइबर शाखा की कर्तव्य परायणता की पुति पर एक साइबर टकी का पर्दाफाश किया गया है जहां आरोपियों ने नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के नाम पर सोशल मीडिया अकाउंट बनाया और फिरियादी से पैसे ऐंठे थे. आइए जानते हैं विस्तार से. दरअसल 2 सितंबर को एक साइबर ठगी का मामला दर्ज किया गया था जहां राजस्थान अलवर निवासी 3 आरोपियों ने नागपुर के 2 ज्येष्ठ नागरिकों से पैसों की ठगी की जिसमें इन आरोपियों ने आयुक्त अमितेश कुमार के नाम पर फेक अकाउंट बनाया और संबंधित फिरियादी से संपर्क प्रस्तापित किया जहां उन्होंने कुछ फर्नीचर के फोटो दिखाए और बताया कि मेरे सीआरपीएफ जवान दोस्त का तबादला होने के कारण वह फर्नीचर बेचना चाहता है तो यदि आप फर्नीचर लेना चाहते हैं तो पैसे ट्रांसफर कर दीजिए. जिसके चलते दोनों फिरियादियों ने विश्वास करते हुए अनुक्रम से 29,000 और 49,000 ऐसी राशि दिए गए अकाउंट में ट्रांसफर की. इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था लेकिन अब इस अपराध की मुख्य कड़ी रुबुद्दीन साहबुद्दीन 28 वर्षीय को अलवर ककराली से हिरासत में लिया गया है जो ATM से पैसे निकाल कर मुख्य आरोपियों को देता था और आगे की जाँच जारी है. यामध्ये माननीय पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार सर यांचं फेक अकाउंट बनवण्यात आलं होतं आणि त्याच्यावरून फ्रेंड रिक्वेस्ट पाठवून 2 फिर्यादींची 2 विक्टीमचे फसवणूक झाली होती. आम्ही ह्या अगोदर अलवर जिल्हा आहे राजस्थानमधला इथून 3 आरोपी आणले होते त्याच्यामधले आणि त्यांना अटक केली होती. त्याच्यामध्ये आम्ही रिकव्हरीसुद्धा केली होती परंतु त्याच्यामध्ये आणखी काही आरोपी बाकी होते. त्यातला एक आरोपी जो आहे त्याचं नाव आहे रुकमुद्दीन सहबुद्दीन वय 28 वर्ष हा राहणार ककराली जिल्हा अलवरमध्येच येतं. ह्याला आम्ही अटक केलेली आहे. हा याचा सहभाग त्याच्यामध्ये असा आहे की जो ATM विथड्रॉ झालेले पैसे आहेत हा पुढे ते पुढे घ्यायचा आणि ते पुढे आरोपींपर्यंत पोचवायचा असा त्याचा सहभाग होता. हे काही 2-3 आरोपी त्याच्यामध्ये आम्हाला अजून सापडले नव्हते तर त्यातला हा एक आरोपी मुख्य आरोपी आहे तो आम्हाला सापडण्यात आला. हा गुन्हा घडला होता 2 सप्टेंबर 2023 त्यावेळेला फेसबुकचं फेक अकाऊंट CP साहेबांचं बनवण्यात आलं होतं. त्यानंतर आम्ही तातडीने ॲक्शन घेऊन 3 आरोपी त्यावेळेला अटक केले होते. ह्या गुन्ह्यात ह्याचा सहभाग असा आहे की हा ATM विथड्रॉल जे करतात त्याच्याकडून हा पैसा पुढे ट्रान्सफर करून घ्यायचा हा त्याच्यामध्ये त्यांचे डिस्ट्रीब्युशन व्हायचं. कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट.